देश भर में गेहूं की बुआई रबी सत्र 2021-22 में अब तक मामूली गिरावट के साथ 336,48,000 हेक्टेयर रही है। कृषि आयुक्त ने शुक्रवार को कहा कि इस सत्र के दौरान यह गिरावट एक अच्छा संकेत है, क्योंकि किसान तिलहन की ओर रुख कर रहे हैं। तिलहन की खेती में वृद्धि से देश को मदद मिलेगी, जो खाद्य तेल आयात पर काफी निर्भर है। कृषि आयुक्त ने कहा कि रबी की फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ क्षेत्र गेहूं के दायरे में आ सकते हैं, जहां गन्ने की कटाई देरी से की गई थी। गेहूं जैसे रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और अप्रैल से कटाई शुरू होती है। एक साल पहले इसी अवधि में 340,74,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। कृषि आयुक्त की माने तो उनका कहना है कि हमारे गोदाम में पर्याप्त गेहूं का भंडार है और यह एक अच्छा संकेत है कि गेहूं का रकबा कम हो रहा है। गेहूं की जगह किसानों ने तिलहन की खेती का रुख किया है, जिसकी देश को फिलहाल बहुत आवश्यकता है। नतीजन तिलहन खेती का रकबा वर्ष 2021-20 के रबी सत्र के 14 जनवरी को एक साल पहले की अवधि की तुलना में 17,93,000 हेक्टेयर से बढ़कर 16,27,000 हेक्टेयर हो गया है। उनका कहना है कि तिलहन क्षेत्र में लगभग 17,93,000 हेक्टेयर की वृद्धि उस क्षेत्र से हुई है जहाँ परंपरागत रूप से गेहूं बोया जाता था। कृषि आयुक्त का कहना है कि चूंकि रेपसीड सरसों मुख्य रबी फसल तिलहन फसल है और गेहूं के साथ इन्हें उगाया जा सकता है, लेकिन इस बार गेहूं खेती के ज्यादातर रकबे में रेपसीड सरसों की फसल उगाई जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रबी सत्र 2021-22 में अब तक रैपसीड सरसों की फसल के तहत बोया गया रकबा बढ़कर 90,45,000 हेक्टेयर हो चुका है, जो एक साल पहले की अवधि में 72,93,000 हेक्टेयर था। कुछ हिस्सों में जहां गन्ने की कटाई देरी से की गई थी, बुआई जनवरी के मध्य से शुरू होगी, जो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि यह क्षेत्रफल भी अंतिम बुआई के आंकड़ों में भी जुड़ सकता है। वहीं कृषि आयुक्त की माने तो रबी फसलों की बुआई जनवरी के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। तिलहन के अलावा शीतकालीन दलहन के तहत बुआई का रकबा एक साल पहले की अवधि में 160,13,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस रबी सत्र में अब तक मामूली रूप से 160,20,000 हेक्टेयर हो गया है। दलहनों में रबी की मुख्य दलहनी फसल चने का रकबा एक साल पहले की अवधि की तुलना में जो कि 107,78,000 हेक्टेयर से बढ़कर 111,61,000 हेक्टेयर हो चुका है। इस अवधि में मोटे व पोषक अनाज का रकबा भी 109,000 हेक्टेयर से घटकर 47,82,000 हेक्टेयर पहुंच चुका है, जबकि चावल का रकबा 4,50,000 से घटकर 19,82,000 हेक्टेयर रह गया है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के पास 12 जनवरी तक 330,12,000 टन गेहूं का भंडार था, ऐसा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।